नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा दोस्तों NPCIL का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहां पर एक नया रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों NPCIL नरौरा की तरफ से आया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का है, आप लोगों को पता होगा। तो NPCIL नरौरा में दोस्तों ये आपका कल से आपका फॉर्म भरा जाएगा, और इसके पहले दोस्तों आपका काकरा पार गुजरात का आया हुआ था, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये हमारा नरौरा उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर आप लोग देखो रिक्रूटमेंट स्टिपेंडरी ट्रेनिंग पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ, जैसे कि ये आपका दोस्तों ITI डिप्लोमा डिग्री ये सभी लोगों के लिए, कक्षा 12 बेस पर इन सभी लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्स की वैकेंसी 4 सीट है। स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट का दोस्तों डिप्लोमा बेस पर देखें यहाँ पर है, मैकेनिकल का 9 19 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 8 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 सीट है, फार्मासिस्ट का 1 सीट है, टेक्नीशियन भी ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट का 1 सीट है। स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड जैसे कि ITI वालों के लिए फिटर का 16 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 8 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का यहाँ पर देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन का 8 सीट है, और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का HR का 8 सीट है, फाइनेंस का 3 सीट है, CMM का 7 सीट है, और स्टेनो के यहाँ पर 5 सीट है। टोटल 89 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 6 जनवरी 2023 शाम को 4 बजे इसका लास्ट डेट है। क्लिक हियर टू नो हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में बताया गया। डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करेंगे आपका नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना जो स्टार्ट है दोस्तों आपका कल यानी कि 13 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा 10 बजे से, और इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा दोस्तों ये आपका शाम को 4 बजे तक रहेगा, 6 जनवरी 2023 तक। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का है ये दोस्तों वैकेंसी। नर्स का यहाँ पर हमने आपको वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल बता ही दिया है कि नर्स का यहाँ पर 4 सीट है, और ITI वालों के लिए यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल को 19 सीट, इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर देखेंगे 8 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 सीट है, फार्मासिस्ट बी का देखिए यहाँ पर पैरामेडिकल वालों के लिए 1 सीट है, टेक्नीशियन बी यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 1 सीट है, फिटर वालों के लिए 16 सीट है, ITI वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 8 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन 8 सीट है, और HR असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR का 8 सीट है, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट FNA का 3 सीट है, और असिस्टेंट ग्रेड CMM का यहाँ पर 7 सीट है, स्टेनो ग्रेड फर्स्ट का 5 सीट है। टोटल 89 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको फार्मासिस्ट बी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं चयन रिट याच के जो है यहाँ पर वैसे कुछ खास नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आपका एज क्या होना चाहिए, तो नर्स के लिए 18 से 30 साल एज मांगा गया है, और पे मैट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, और स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए 18 से 25 साल एज होना चाहिए, और फार्मासिस्ट बी का यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 18 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का 18 से 25 साल एज मांगा गया है, और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड ITI वालों के लिए 18 से 24 साल का एज होना चाहिए, और आयु सीमा में, और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट यहाँ पर HR FNA CMM और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट 21 से 28 साल के बीच में आपको एज होना चाहिए। ठीक, और अगर बात करें दोस्तों अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर SSC ST वालों को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का, PWD वालों को 10 साल का, PWD अगर आप SC ST हैं तो 15 साल का, PWD अगर NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उनको 13 साल का छूट मिलेगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं तो आपको ग्रुप सी पोस्ट के लिए हैं तो सैन्य सेवा की अवधि +3 वर्ष। ठीक, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल का, और इसी तरह से महिला वालों के लिए दिया गया यहाँ पर छूट, और देखिए तो इसको महिलाएं भी भर सकती हैं, और NPCIL में संविदा पर कार्य करने एवं संविदा कर्मचारी नियतकालीन आधार पर कार्य का अनुभव करने वाले आवेदकों को निर्धारित आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक, और यहाँ पर देखिए NPCIL में बेंचमार्क के लिए यहाँ पर निष्पक्षता 40%, ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में, तो देखिए नर्स का जो है दोस्तों 12 पास होना चाहिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस नर्सिंग में या मिडवाइफरी में आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और यहीं पर बात करें कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक, या फिर दोस्तों आपके पास देखिए यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा हो, ठीक, लेटरल एंट्री से कक्षा 12 के बाद तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कक्षा 10 किए हों, ITI किए हों और 2 वर्ष डिप्लोमा हो तो भी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के यहाँ पर देखिए कक्षा 12 पास होना चाहिए,
और 2 वर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी में 3 माह का प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन भी का यहाँ पर देखिए कक्षा 12 बेस पर है, यहाँ पर देख सकते हैं HSC 10+2 यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कहा गया टेक्नीशियन का यहाँ पर जो है स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट का यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए विज्ञान एवं गणित के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं 50% न्यूनतम अंक एवं संबंधित ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वर्ष का ITI होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ITI का संकाय ट्रेड में होना चाहिए जिसका संबंध हो एडम में प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के क्षेत्र के हों। तो ITI वालों के लिए है कि ITI होना आपका जरूरी है, एक विषय अंग्रेजी SSC मतलब कक्षा 10 में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो भी असिस्टेंट का और स्टेनो का जो असिस्टेंट का है यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था में न्यूनतम 50 अंकों के औसत सहित किसी भी स्नातक डिग्री होना चाहिए। पद संख्या 6 से 8 तक के लिए आपको स्किल टेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए PEC पर इन इंग्लिश में। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपके पास होना चाहिए उत्तीर्ण किए हों। और स्टेनो का देख सकते हैं यहाँ पर 50% अंकों के साथ यहाँ पर दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा गया है। अंग्रेजी में 80 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, स्टेनोग्राफी 40 वर्ड, हिंदी इंग्लिश इन PEC में आना चाहिए। और हिंदी टंकण हिंदी आंसू लिपिक का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है यहाँ पर कि वृत्तिका ग्राही प्रशिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी कैटेगरी फर्स्ट के कैंडिडेट हैं उनका इसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि 160 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और 45 किलो वजन होना चाहिए कम से कम। और 18 से 18 साढ़े 8 यहाँ पर 18.5 वर्ष यहाँ पर दिया गया है कि प्रशिक्षण की और 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष का, तो 18 महीने यहाँ प्रशिक्षण होगा जो कि कैटेगरी फर्स्ट के कैंडिडेट हैं। पहले वर्ष इनको 16,000 रुपये महीना, ठीक, अगले 6 महीने 18,000 रुपये महीना, ठीक। और तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बॉन्ड भी भराया जाएगा, बॉन्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कैटेगरी सेकंड वालों के लिए देख सकते हैं आपको आज जब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पर कि न्यूनतम आयु यहाँ पर देखिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 45.5 kg वेट होना चाहिए, कम से कम 24 महीने का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग चलेगा। इसको पहले साल आपको 10,500, दूसरे साल 12,500 मिलेगा। इसके बाद आपको जो भी रहेगा यहाँ पर टेक्नीशियन बेस पर यहाँ पर लगभग जो भी रहेगा रूल उसके अनुसार आपको मिलेगा। चयन कैसे होगा तो आपको लिखित परीक्षा देख सकते हैं यहाँ पर, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट ये सब कराया जाएगा। तो सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर देखिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिए यहाँ पर कि 6 जनवरी 2023 इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको डिस्कशन कर दिया है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कल 10 बजे से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।